हेलो, मैं यूट्यूब फ्रेंड मैं अंकित, आपके अपने चैनल ऑटो स्टार्ट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में लेकर आए हैं होंडा का एक ब्रेड का जो 2021 में न्यू फीचर्स अपडेट आए हुए हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और फ्रेंड, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। फ्रेंड, इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो टेस्ट राइड के लिए लेकर आएंगे। फिलहाल इसके हम फीचर्स रिव्यू दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। तो फ्रेंड, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं वो यही है, होंडा का एक्सब्लेड। तो फ्रेंड, आगे की तरफ से इसको देखते हैं तो हम फ्रंट के साइड से देखते हैं तो इसमें जो लाइट है वो रोबोटिक लाइट है। यहाँ पे आपको फुल्ली एलईडी लाइट मिलेगा। और फ्रेंड, यहाँ पे आपको सस्पेंशन की बात करें तो आपको यहाँ पे टेलोस्पिक जो है वो सस्पेंशन मिलेगा यहाँ पे। और फ्रेंड, जो BS4 में था वो यहाँ पे जो सस्पेंशन के पास ये जो कवर होता था वो नहीं लगा होता था, लेकिन ये जो BS6 में आया है मॉडल एक्सब्लेड का होंडा का, वो यहाँ पे ये जो है वो आपको कवर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है और जो भी कि अच्छा भी लगता है। और फ्रेंड, इसको हम नीचे के साइड से देखें तो यहाँ पे आपको इंजन कवर लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फ्रेंड, हम गाड़ी को साइड से आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे आपको होंडा का चिन्ह मिलेगा और जो कि यहाँ पे एक्सब्लेड लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। और फ्रेंड, इधर से आपको साइड से देखें तो यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक पे भी इसका जो पैड है वो इसका लगा हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और फ्रेंड, इसको साइड से हम देखें तो इसका फ्रेंड जो इसका जो सीट है वो काफ़ी लंबा है और जो कि काफ़ी कंफर्टेबल भी है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड, नीचे में इसका यहाँ पे मोनो सस्पेंशन आपको जो सॉफ्ट एडजस्टेबल है वो लगा हुआ है। और यहाँ पे BS6 यहाँ पे HET जो कि इसका जो टेक्नोलॉजी है होंडा का वो है यहाँ पे लिखा हुआ है। और फ्रेंड, यहाँ पे देखें तो आपको 107 cc में आपको यहाँ पे किक स्टार्ट भी मिल रहा है। और फ्रेंड, यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट भी मिला है। आप BS4 में जो था वो मतलब कि किल स्विच नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको BS6 में आपको किल स्विच लगा हुआ है। और फ्रेंड, यहाँ पे आपको ये जो है वो इंजन इसका फ्रेंड हैवी गोट 6 ईयर जो इसका जो इंजन का जो कैपेसिटी है, जो लाइफ है वो 6 ईयर ये जो होंडा की तरफ से वो मतलब वारंटी मिल रहा है। और फ्रेंड, पीछे की तरफ से देखें तो यहाँ पे जो आपको साइलेंसर मिलेगा, यहाँ पे आपको डबल पाइप मिलेगा जो कि इसका साउंड है वो बहुत ही कम मतलब कि बहुत ही कम निकलेगा। और फ्रेंड, यहाँ पे आपको डुअल डिस्क ब्रेक यहाँ पे मिलेगा। और फ्रेंड, यहाँ पे आपको रियर में आपको बैक साइड में देखे चक्का पर आपको जो मोटर गार्ड है वहाँ पे ये जो बैक साइड में मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। और फ्रेंड, आपको उस साइड से दिखाते हैं, पीछे आपको फुली LED जो बैक लाइट है वो मिलेगा। साइड में यहाँ पे आपको इंडिकेटर मिलेगा। और फ्रेंड, इस साइड से देखें तो हम यहाँ पे भी आपको वही लुक मिलेगा। और फ्रेंड, यहाँ पे हम इंजन की बात करें तो इंजन जो पहले से यहाँ पे अब BS4 में जो यहाँ पे था वो फ्यूल को ऑफ या ऑन करने की सुविधा दी हुई होती थी, लेकिन यहाँ पे BS6 में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हटा दिया गया है। और फ्रेंड, इस साइड से भी देखें तो आपको जो होंडा का चिन्ह है और एक्सब्लेड यहाँ पे लिखा हुआ है। और फ्रेंड, जो इसका अगला वीडियो में टेस्ट राइड को लेकर आऊँगा तो उसमें आपको इसमें आवाज़ सुनाऊँगा, इसका क्या साउंड है और क्या माइलेज है। फ्रेंड, इस माइलेज की बात करें तो इसमें आपको अगर आप सही से चलाते हैं तो 50 की माइलेज आपको मिल जाएगी इसमें। और फ्रेंड, अगर आप रफ गाड़ी चलाते हैं तो ये 45 से 50 तक की आपके जो एवरेज और माइलेज है वो देखने को मिल सकती है इस बाइक में। और फ्रेंड, इसमें गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 5 स्पीड की जो गियर बॉक्स है वो इसमें मिलेगी। इसमें फ्रेंड, फ्रंट में और रियर में दोनों साइड में आपको जो है वो ट्यूबलेस टायर आपको देखने को मिलेगी फ्रेंड इसमें। फ्रेंड, यहाँ पे बात करें हम डिस्क ब्रेक की तो आगे की तरफ से आपको 276 mm का जो है वो ABS मिलेगा यहाँ पे और डिस्क ब्रेक। और पीछे की साइड में देखें तो आपको 200
220 mm का जो है वो यहाँ पे आपको डुअल डिस्प्ले प्लेट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है, जो कि BS4 वाली गाड़ी में नहीं मिल पाता था। तो फ्रेंड इसमें आपको यही टेक्नोलॉजी है, और फ्रेंड इसका हम टेस्ट राइड बहुत जल्दी ही लेकर आने वाले हैं, तो उसमें आपको इसका माइलेज और कैसा चल रहा है, कैसा ये बाइक है, कैसा इसका साउंड है, तो हम दिखाने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड बात करें यहाँ पे इसका मीटर कंसोल की, तो यहाँ पे आपको ABS जो लाइट है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और फ्रेंड इसमें आपको टाइमिंग भी देखने को मिल सकता है, और फ्यूल कैपेसिटी भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे गियर नंबरिंग आप देख सकते हैं, और फ्रेंड यहाँ पे आपको जो है वो इंजन किल स्विच लाइट भी देखने को मिल सकता है, जिसको हम मालफंक्शन लाइट बोलते हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर भी है साइड एंड लेफ्ट का, यहाँ पे आपको किल स्विच मिलता है। और फ्रेंड यहाँ पे आप बात करें तो यहाँ पे आपको सब चीज़ डिजिटल मिलेगा, जो कि BS4 वाली गाड़ी में नहीं मिल पाता था। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और फ्रेंड आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। फ्रेंड बहुत ही जल्दी इसका मैं टेस्ट राइड लेकर आने वाला हूँ, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।